हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ लाइव। मैं हूं आपके साथ शेफाली शर्मा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम हेल्थ लाइव में हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसे बवासीर भी कहा जाता है, इसी के साथ फिस्टूरा जिसे बवंदर भी कहा जाता है, और साथ ही फिशर के बारे में भी। अगर आपका भी बवासीर, पाइल्स या फिशर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आशीष भनोट फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग न्यू दिल्ली। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर। जैसे कि आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, तो सबसे पहला सवाल आपसे कि पाइल्स क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। पाइल्स बेसिकली स्टूल के अंदर, लैट्रिन के अंदर से जहाँ ब्लड आना शुरू हो जाता है, और कुछ ना कुछ भाग स्टूल का जो एनस का होता है, जहाँ से स्टूल आता है जी, उसके आसपास की चमड़ी या अंदर की म्यूकोजा अगर बाहर आनी शुरू हो जाती है, जिसको पाइल्स कहा जाता है, और कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है पेशेंट को। आमतौर पे ये पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन वाले होते हैं। काफ़ी बार ये बाहर आता है, वापस चला जाता है, काफ़ी बार सिर्फ अंदर होता है और वो ब्लीड करता रहता है। जब तक हम उसको प्रॉपरली एग्जामिन नहीं करते, हमको नहीं पता चलता कि ये पाइल्स है कि या कहीं ऊपर से आ रहा है, कहीं कोई ऊपर कहीं कोई कैंसर बना हुआ है, या कहीं कोई भी कारण हो सकते हैं ब्लड लेटरिन में आने के। पर जी कॉमनेस्ट उनमें पाइल्स है जी एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स में क्या अंतर है, इसमें हमें बताएं। जी, वही मैं कह रहा था। इंटरनल है जब पाइल्स सिर्फ नीचे के भाग में, जो लैट्रिन का नीचे का भाग होता है, जिसको एनस बोला जाता है या एनल कैनाल बोला जाता है, उसके अगर सिर्फ अंदर ही एक कुछ चमड़ी बढ़ गई है जिसमें से ब्लड आ रहा है, तो उसको इंटरनल पाइल्स कहा जाता है। और अगर यही चीज अंदर से निकल के बाहर आ गई है तो उसको एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। और कई बार ये होता है कि अंदर वाली भी बाहर आ जाती है पूरी की पूरी, साथ के साथ एक्सटर्नल वाली भी बाहर हो जाती है, तो उसको इंटरनो एक्सटर्नो पाइल्स कहा जाता है, जो कंप्लीट पाइल्स होती हैं। जी, अगर वार्निंग साइन की बात की जाए जी, तो किस तरह के वार्निंग साइन हमें देखने को मिलते हैं पाइल्स के अंदर? आमतौर पे पेशेंट्स फर्स्ट कंप्लेन यही होती है कि ब्लड आता है स्टूल के अंदर। जी, कॉमनली पेनलेस होता है, बिना दर्द के होता है, और एकदम पॉट में गिरता है ब्लड, ठीक है। पर काफ़ी कई बार ये पेनफुल भी होता है जब ये पाइल्स बाहर आके रह जाती है और साथ में ब्लड भी आता है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। जी दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी आज के प्रोग्राम हेल्थ लाइव में हम बात कर रहे हैं पाइल्स के बारे में, यानी बवासीर के बारे में। अगर आपको भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-4754-5447 और साथ ही 48। आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर आशीष भनोट फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर, ये तो बात हुई वार्निंग साइन के बारे में, अब आपसे जानना चाहूंगी मेन कारण क्या होता है, क्या कारण होता है जिसकी वजह से पाइल से ग्रसित होना पड़ता है किसी को भी? देखिए, आमतौर पे जो एक पाइल्स एक है, नॉर्मल स्किन के कुशंस होते हैं एनल केनाल के अंदर, जब स्टूल पास होता है तो वो नॉर्मल पड़े होते हैं। बट जब भी प्रेशर बनता है या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं, या अंदर कोई अंदरूनी बीमारी है, लीवर की बीमारी है, या अंदर कोई और तरह की प्रॉब्लम चल रही है पेट में जिससे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी के दरमियान भी पाइल्स देखे जाते हैं फीमेल्स के अंदर, तो जब भी पेट के अंदर और स्टूल के रास्ते पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो ये नीचे के बाहर आ जाते हैं पाइल्स। स्ट्रेन करने से भी काफ़ी बार इम्प्रॉपर बाउल हैबिट्स के कारण, कि स्टूल तो आया नहीं है और लोगों को लगता है कि बस एक ही बार जाऊं मॉर्निंग में, उसके बाद दोबारा ना जाना पड़े, और वो जोर लगाता रहता है और वो स्टूल तो होता नहीं अंदर जी, और पाइल्स बाहर आ जाते हैं अंदर से। जी, अगर बात की जाए एजिंग की तो क्या ये भी एक कारण होता है? जी, एजिंग एक कॉमन कारण है, क्योंकि नीचे का जो स्फिंक्टर होता है और जो स्नायु होते हैं वो उसको अपनी जगह पे रखते हैं नॉर्मली, बट जैसे जैसे ये सब चीजें लैक्स होती हैं तो अंदर के कुशंस बाहर आना शुरू होते हैं जिससे पाइल्स बन जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, आपसे मैं बातचीत जारी रखूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी, योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में, बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना 1-1.5 साल से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, और जब भी बैठता हूँ ना जी, कहीं ज्यादा देर बैठा रहूं तो उठा नहीं जाता, और अंदर ऐसे जैसे बैलून से नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा कुछ। जी डॉक्टर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? बैलून कहाँ, पेट में क्या लैट्रिन की जगह? बैलून जो फूलता है वो पेट में फूलता है कि लैट्रिन की जगह फूलता लगता है? योगेश जी, आप सुन पा रहे हैं?
योगेश जी, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और बताएं, ये जो बैलून जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये आपके पेट में फूलता है या फिर, बताएं एनएस प्लीज। कैनाल के अंदर जो लेटरिन का रास्ता है वहां पे होता है जी ये, जहाँ से स्टूल पास होता है ना जी, अंदर की साइड, इंटरनल की साइड, जैसे बैलून से हो रहे ना, ऐसा कुछ हो रहा था। जी, वो बाहर ही आ जाता है कि वापस चला, बाहर आता है वापस अंदर चला जाता है कि बाहर ही अंदर ही रहता है? अंदर ही रहता है सर, बाहर नहीं आता। ठीक है, एक्चुअली आपको एक चेकअप की जरूरत है जिसको प्रोक्टोस्कोपी बोलते हैं। छोटा सा प्रोक्टोस्कोप होता है, बिल्कुल छोटी सी दूरबीन होती है। आप जब भी सर्जन के पास जाएंगे, अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसको अंदर डाल के आपके इसके अंदर देख लेंगे, और अगर वो कुछ पाइल्स है तो उसकी तुरंत जांच हो जाएगी, ये पाइल्स है या कोई और कारण है। काफी बार अंदर, कई बार पॉलिप होता है, कई बार कोई ग्रोथ होती है जिसके कारण ये बलून सा फील होता है, तो इसकी एग्जामिनेशन काफी जरूरी है। अगर ब्लीडिंग आ रही है तो ये एक वार्निंग साइन है, तो और ज्यादा जरूरी है इसकी एग्जामिनेशन। जी डॉक्टर, अगर पाइल्स की बात की जाए तो आप इसके कारण के बारे में बता रहे थे, तो आपसे जानना चाहूंगी क्या ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी है? हाँ, जेनेटिकली काफी बार ये क्वेश्चंस लूज होते हैं बहुत सारे लोगों में, और जैसे जैसे एजिंग होती है उनके अंदर ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, और या जैसे भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है कोई और कारणों से, अगर फीमेल्स में हैं तो उसमें भी ये आ जाते हैं पाइल्स। जी आपने प्रेगनेंसी भी बताया था कि जी एक कारण होता है, तो फीमेल में प्रेगनेंसी के बाद क्या पाइल्स होती है या नहीं? कॉमनली फीमेल्स में जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है तो नीचे पीछे के ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन होती जाती है, एंड अल्टीमेटली वो प्रेशर्स बढ़ने के कारण ये पाइल्स डेवलप हो जाती है। कई बार वो वीनस प्लेक्सेस होते हैं जिनके ऊपर प्रेशर पड़ता है एंड पाइल्स डेवलप हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम फीमेल्स को आफ्टर प्रेगनेंसी ही होती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये प्रॉब्लम फेस करनी लेट पड़ती है प्रेगनेंसी फीमेल्स को? में आमतौर पर देखी जाती है, जी मतलब पर सिर्फ, किसी भी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड है। एनी ह्यूमन बींग को किसी भी एज के अंदर अगर वो इम्प्रॉपर उसके बाउल हैबिट्स हैं, जी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रह रही है, और डाइटरी फैक्टर्स जो हैं जो सूट नहीं करते, फाइबर कम है डाइट के अंदर, तो उसमें पाइल्स हो सकती है। जी डाइट के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, अभी जी अभी आप खुद बता रहे हैं कि डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? डाइट में बेसिकली हमको स्पाइसी डाइट अवॉइड करनी है और लो रेजिड्यू डाइट नहीं खानी, हाई फाइबर डाइट खानी है, जिसके अंदर जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा होनी चाहिए हमारे जी डाइट में, और जो ग्रेन्स हैं हमारी जो होती हैं होल व्हीट वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, और जिसमें भी चीज़ में फाइबर जिसको बोलते हैं ज़्यादा होता है वो सब चीज़ें हम खा सकते हैं। फ्रूट्स इंटेक्स ज़्यादा रहनी चाहिए। जी हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, नीरज जी। हेलो हेलो जी, नीरज जी बताएं किसके बारे, क्या प्रॉब्लम है आपकी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी मैम, मेरे को ये बवासीर की प्रॉब्लम है। जी एक्चुअल में मेरे लेटरिंग के रास्ते छोटा सा एक मांस का दाना सा है, जी तो मैम कभी कभार मुझे लेटरिंग के रास्ते ब्लड भी आता है और कभी कभार नहीं आता। जी बेसिकली आप यही सेंटिनल पाइल्स हो सकती हैं कई बार, और अंदर इसके साथ पाइल्स हैं इनके, इनको भी एग्जामिनेशन करवा के ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अगर ब्लड आ रहा है उसके प्राइमरीली तीन चार ट्रीटमेंट होते हैं, और बहुत अर्ली स्टेज पे है तो सिर्फ दवाइयों से भी ठीक हो जाएगा, पर जो स्किन का टैग ये बोल रही हैं बन गया है तो उसको तो लगभग ऑपरेशन से ही निकालना पड़ता है, अपने आप से वो खत्म नहीं होता, हो सकता थोड़ा छोटा हो जाए टाइम के साथ। जी डॉक्टर, अभी अभी आपने बताया एग्जामिनेशन कराना चाहिए, तो वार्निंग साइन पता करने के बाद, पता होने के बाद किस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं? देखिए, अगर जैसे ही पता लगता है, आमतौर पे पेशेंट्स तीन चीज़ों के साथ आते हैं। सबसे पहले कॉमन कन्फ्यूज़न तो ये होती है कि वो लोग सोचते हैं कि ये भगंदर है, फिशर है, पाइल्स, ये तीनों में कोई पता ही नहीं होता। कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमको फिशर है, पर एक्चुअली उनको पाइल्स होता है। बहुत सारे बोलते हैं हमको भगंदर है, वो उनको बवासीर होती है। जी तो ऑल थ्री आर डिफरेंट डिजीजेस। फर्स्ट जो बवासीर बोल रहा हूँ मैं, बवासीर में पाइल्स जिसको बोला जाता है, ब्लीडिंग होती है, पेन नॉर्मली कम होती है, हो सकती है पेन। फिशर में बहुत ज़्यादा पेन होती है, उसमें भी ब्लीडिंग होती है, और भगंदर जो है एक फिस्टुला है, वो एक पस आती है या कई बार लेटरिन के रास्ते से अलग से एक साइड में रास्ता बन जाता है जिसको फिस्टुला बोलते हैं, और उसके अंदर से हवा भी पास हो जाती है, कई बार उससे साइड में स्टूल भी पास हो जाता है, अपने आप से आता रहता है क्योंकि वो कंट्रोल उसका खत्म हो चुका होता है लेटरिन के रास्ते का, क्योंकि वो उसके स्फिंक्टर से अलग निकल आता है। जी आपने तीन तरह की जी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें राइट, पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है, बिल्कुल। तो एग्जामिनेशन जो होते हैं वो सेम ही होते हैं या अलग अलग होते एग्जामिनेशन हैं? ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। सबसे पहले एग्जामिनेशन
देखने की होती है, डॉक्टर उस पार्ट को एग्जामिन करता है, जी अगर वहाँ पे कुछ दिख रहा है, डाउटफुल लग रहा है कि ये फिस्चुला है तो उसकी अलग एग्जामिनेशन होती है, अगर ये फिशर है ज़्यादा पेनफुल है तो हम ज़्यादा एग्जामिन नहीं करते उसको, उसको फिर अंडर एनेस्थीजिया एग्जामिन किया जाता है, थोड़ा सा बेहोश करके किया जाता है। और अगर पाइज क्लियर लग रही है, डाउटफुल लग रहा है या सिर्फ फिस्चुला लग रहा है, तो हम प्रोक्टोस्कोपी, एक छोटी सी दूरबीन होती है जिसको 4-5 इंच से की दूरबीन होती है, जिसको लेटरिन के रास्ते में डालते हैं और देखते हैं अंदर क्या, कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, पाइल्स है, फिस्चुला है क्या, इससे जी पता चलता है। बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आशु जी दिल्ली से। हेलो हाँ जी मैम, आशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ लाइव में, बताएं। मैम एक्चुअली मेरे थोड़े कुछ दिनों पहले मेरे को मुंह में थोड़े छाले से पड़ गए थे, थोड़ी गर्मी सी लग रही थी, जी तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी है मुझे। जी तो मुझे डॉक्टर साहब ये पूछना है कि मैं जब भी मतलब मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन मतलब मुंह में छाले पड़ जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन की मुझे प्रॉब्लम कंटिन्यूसली है, तो थोड़ी दवाई खा के मैं मेडिसिन लेके ठीक हो जाती है, बट फिर मेडिसिन बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट हो जाती है। तो मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें प्रॉपर मतलब क्या जाए, क्या मतलब ट्रीटमेंट किया जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर। ठीक है, पहले तो वैसे आपके मुंह के छाले देखने पड़ेंगे कि किस तरह के हैं। कई बार एब्सेस अल्सर्स होते हैं, वो डेट कैन बी रिलेटेड टू बॉवल है, बॉवल प्रॉब्लम्स, और इसके साथ साथ इनके लेटरिन की जो कॉन्स्टिपेशन के कारण को रूल आउट करना जरूरी है। मे बी अगर ये रिकरेंटली चल रही है, इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो अंदर की बॉवल की एग्जामिनेशन जरूरी होती है, कॉलोनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी। ओके, एंड इसके साथ समटाइम्स इनकी बॉवल की स्टडीज होती हैं, जी जो एक दवाई पिलाई जाती है जिसको बॉवल एनर्शिया देखने के लिए यूज किया जाता है कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है यंगर एज ग्रुप में, जी कि डॉक्टर, जैसे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी 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 जैसे कि इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो आपने अपने कारणों में ये भी बताया था कि पाइल्स का कारण भी होता है कॉन्स्टिपेशन, तो क्या बिल्कुल, ही नहीं ये चांसेस ज्यादा होंगे हाँ, पाइल्स ये होने के, ज्यादा रिस्क पे हैं, ये ज्यादा रिस्क पे ज्यादा है। रिस्क पे हैं। अभी तो मेनली फर्स्ट ये है कि इनका रूल आउट करना चाहिए, अगर यंगर एज ग्रुप में आ रहे हैं तो क्या ये अंदर ही कोई किसी चीज की डेफिशिएंसी के कारण तो नहीं हो रहा, वो जी फर्स्ट रूल आउट करना पड़ेगा। वो सब चीजों के बाद फिर पाइल्स के लिए भी डेफिनेटली देखना चाहिए कि इस ऐसे पेशेंट में पाइल्स होने के चांसेस बढ़ते हैं, जी अगर पाइल्स की क्योंकि ये बात, स्ट्रेन करते रहते हैं। जी बिल्कुल, अगर पाइल्स की बात की जाए तो किस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? देखिए, पाइल्स के लिए 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो अंदर ही पाइल्स हैं, सेकंड डिग्री उनको बोलते हैं कि जो अंदर से बाहर आ जाते हैं पर फिर वापस स्टूल पास करते हैं तो फिर वापस चले जाते हैं, थर्ड डिग्री बोलते हैं कि जो अंदर से बाहर आ गए हैं और बाहर ही रह जाते हैं। तो तीनों का ट्रीटमेंट उनकी स्टेज के हिसाब से है। अगर अर्ली स्टेज में आ गए हैं तो हम उनको सिर्फ दवाइयों से या उसके अंदर इंजेक्शन वगैरह लगा के उसको ठीक किया जा सकता है, पर जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है ट्रीटमेंट वेरी करता जाता है। सेकंड स्टेज में अगर हैं तो बैंड लाइगेशन होती है, फिर एक स्पेशल है DGHL बोलते हैं जिसको, वो एक विधि है, उससे जो हेमराइड की जो आर्टरी होती है उसको अंदर से लाइगेट कर देते हैं, वो भी एक प्रकार का ऑपरेशन है, हालांकि वो पेनलेस है और पेशेंट को बिल्कुल डे केयर टाइप है, सुबह आया शाम को छुट्टी हो जाती है, जी और कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, पेन भी नहीं है पोस्ट ऑपरेटिवली, और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं उसमें। ये दो ऑप्शंस उस स्टेज तक रहती हैं, उसके बाद अगर और ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर इसका ऑपरेशन ही होता है, जो प्रॉपर ऑपरेशन बोलते हैं, जो ऑपरेशन पाइल्स मास को निकालने का रहता है। इसका अगर ओपन मेथड से किया जाए तो थोड़ी पेन होती है, जो कॉमनली पुराना मेथड था, जी अब आजकल वो मेथड धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रहा है, बहुत इंडिकेटेड है तो यूज करा जाता है, पर उससे अच्छा भी स्टेपलर विधि आ गई है इसमें, जो हेमराइड स्टेपलर बोलते हैं, स्टेपलर से ये ऑपरेशन किया जाता है और बहुत कम, मतलब बिल्कुल जीरो पेन तो नहीं बोल रहा, बट मिनिमल पेन के साथ पेशेंट ठीक हो जाता है और थर्ड डे तक वो अपनी नॉर्मल ड्यूटी रिज्यूम कर लेता है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर अनीश, आपसे इस पर बातचीत हम जारी रखेंगे, पाइल्स के बारे में और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन अभी हमारे शो पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, आज के प्रोग्राम हेल्थ लाइव में हम बात कर रहे हैं पाइल्स के बारे में, जिसे बवासीर भी कहा जाता है। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हेल्थ लाइव में।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेल्थ लाइफ में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम हेल्थ लाइफ में हम बात कर रहे हैं पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 011-4754-5447 और साथ ही 48। आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर आशीष बनोट फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, न्यू दिल्ली। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में हमने जाना, आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में भी हमें बताया, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि किस स्टेज में, किस सिचुएशन में हमें ये प्रॉब्लम होती है और हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। फर्स्ट ट्रीटमेंट हम पाइल्स का स्टेज पे डिसाइड करते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया। फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट हो सकता है मेडिकली, दवाइयों के साथ, कुछ गोलियों के साथ। जब पॉसिबल लगता है तो हम फर्स्ट ट्रायल यही देते हैं। अगर वो ट्रीटमेंट फेल कर रहा है, पेशेंट की ब्लीडिंग होती जा रही है, उसका ब्लड का लेवल कम होता जाता है, सीवियर एनीमिया हो रहा है उसको और वीकनेस हो रही है, कई बार ऐसे पेशेंट चक्कर खा के गिर जाते हैं सडनली, तो ऐसी स्टेज में, और बीमारी ऐसी है कि ऐसे एरिया में होती है, काफ़ी लोग शर्माते हुए बताते नहीं है जी, ठीक है ना। तो ऐसी स्टेज में जब फर्स्ट मेडिसिन से नहीं फर्क पड़ रहा, ब्लीडिंग हो जा रही है, पेशेंट वीक हो जा रहा है, तो सर्जिकल ऑप्शन कंसिडर करनी ही पड़ती है, चाहे वो सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो या फर्स्ट हो। तो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। सेकेंड स्टेज के अंदर, जैसे मैंने बताया कि सेकेंड स्टेज के ऊपर भी पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए मेडिसिन से, बट अल्टीमेटली दिस पेशेंट गो इन सर्जरी, एक या दूसरी तरह की जो भी सर्जरीज अवेलेबल हैं वो उनको करवानी ही पड़ती हैं। और थर्ड स्टेज में, सेकेंड स्टेज में जैसे हो गई, इंजेक्शन होते हैं कई बार, और रबर बैंड लाइगेशन करते हैं या DGHL करते हैं, जो मैंने बताया कि आर्टरी को ही लाइगेट कर देते हैं, सबसे अच्छी पेनलेस विधि यही है। फिर उसके बाद स्टेज बढ़ गई है तो स्टेपलर विधि है, और नॉर्मल सर्जरी भी है, ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं, बट स्टेपलर इज डेफिनेटली बेटर और कम पेनफुल है, पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। अगर हम ओपन फाइल्स करते हैं उसमें 8-10 दिन तक घाव सूखने में लगते हैं, पेन भी रहती है पेशेंट को, जिसके कारण काफ़ी कंसेप्ट बन गया था कि एक बार पाइल सर्जरी कराई तो बस आपका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इसीलिए लोग पेशेंट ये कराते नहीं थे। बट अब नई ऑप्शंस अवेलेबल हैं और पाइल्स अच्छे से क्योरेबल है, इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये नहीं कि ब्लीडिंग के कारण सफर करते रहो और अल्टीमेटली अपने आप को हार्म करो। बिल्कुल डॉक्टर, हमारे साथ एक अगली कॉलर भी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, इनकी प्रॉब्लम भी जान लेते हैं जी। हेलो हेलो कुसुम जी, बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी। मेरे ना एक बार अगस्त में स्टूल पास करते तो बहुत पेन हो रहा था जी, तो फिर दिखा के आई एक सर्जन को, तो उन्होंने बोला आपके फीचर है जी। तो हेलो जी, बताए। अगस्त के अंदर एक बार मेरे स्टूल पास कर रही थी तो बहुत ज्यादा पेन था जी, तो फिर दिखा के आई किसी सर्जन को, तो उसने बोला फीचर है आपके जी। फिर उन्होंने सेक वेक बताया और एक जेलोफिन जेली दी थी।